हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, न्यू मिलियन एक्वेरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम। तो आज हम जानेंगे एक्वेरियम के मछलियों के, जो बहुत सारे कस्टमर के कमेंट्स आते हैं कि मछली मरती है, हमने पानी चेंज कर दिया, मछली मर गई। अलग अलग कस्टमर के कमेंट्स के ऊपर मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास में जो मछली मर रही है हम उसको बचा सके, और थोड़ा सा कुछ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में ये, मैंने यहाँ पर एक बाउल डेकोरेट करके रखा है। इस बाउल को और एक्वेरियम को, दोनों को कंपेयर करते हम तो दोनों भी लगभग सेम होता है, प्रोसेस दोनों का भी सेम होता है। भले चाहे अपन टैंक में, चौकोनी बड़े टैंक में अगर हम मछलियाँ रखें या छोटे बाउल में रखें, पर बेस्ट भी ये होता है मछली को, जितना बड़ा टैंक हो मछली स्ट्रांग अच्छे से रह सकती। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो बाउल का, जो किस टाइप से हम रखें उसको इस टाइप से सेटअप करें मछली मरने से बचाए। तो मछली को जो ज़रूरी होता है कि जब भी हम पानी चेंज करते हैं तो पानी चेंज करने के ऊपर ज़्यादातर मछली मरती है। तो मैं पहले पानी चेंज करने का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि हमारे पास मान लो कि ये हमने मार्केट से ये बाउल खरीद के ला लिया है। बाउल के अंदर रेगुलर होता है कि दुकानदार जो भी होते हैं कि एक आधा प्लांट्स डाल दिए अंदर, दो चार एक फ्रिज डाल दिए, स्टैंड नीचे सैंड और स्टोन डाल दिए तो बस चालू हो गया। पर इसके अंदर हर कोई मछली नहीं रह सकती। मछलियों में दो से तीन टाइप के अलग अलग फिश होते हैं, जो कि बिना ऑक्सीजन में रहने वाली एक है, दूसरी हो सकता है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा लगे उसको, तीसरी बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकती। तो बेस्ट वे हमारे पास में, अगर हमारा बड़ा एक्वेरियम हो या छोटा बाउल हो, इस दोनों के अंदर भी हमें तो एक छोटा सा ऑक्सीजन मशीन लगाना होता है और एयर पंप लगाना होता है। जो एयर पंप के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में देखिए कि ये जो एयर पंप होता है, इस एयर पंप को हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हर कोई कस्टमर बोलते हैं इतनी बड़ी सी मशीन जो हम इस बाउल के अंदर कैसे लगा सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट मैं दिखा दूँ आपको दोस्तों। ये एयर मशीन होती है, एयर पंप होता है, जिसको हम इस टाइप से रख दे, और यहाँ पे जैसा मैं आपको, जब बड़े टैंक होते हैं हमारे, तो बड़े टैंक के अंदर आपको इस टाइप के एक फिल्टर लगाने होते हैं बड़े टैंक में, लेकिन ये इस बाउल के हिसाब से हम तो नहीं लगा सकते। तो उसके लिए बेस्ट वे हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए कि यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे जोड़ दिया और इसको एयर स्टोन जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जिस टाइप से एयर पंप लिया है, एयर पंप को यहाँ पे एक हमने पाइप का कनेक्शन जोड़ दिया, और दूसरा है तो ये जो एयर ऑक्सीजन मशीन, एयर का जो बॉल होता है, इसको हम इस टाइप से छोड़ देना है। तो बस इसको हम चालू करेंगे, एयर इसमें कंटिन्यू निकलता रहेगा, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा ये होता है कि मछली मरने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इसके अंदर अलग अलग, जैसा हम वाटर सप्लाई वाटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्लोरीन आता है, क्लोरीन से हम जब पानी यूज़ करेंगे तो मछली मर सकती है। तो उसके लिए आपको ये जो कंपनी का, जो सानियो का जो एक क्लोरीन रिमोर मेडिसिन है, इस क्लोरीन जो भी सप्लाई वाटर होता है वो क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन डालने के बाद हमारी मछलियाँ मरती है, तो क्लोरीन को हमको रिमूव करना होता है, उसको हटाना होता है। तो उसके लिए तो ये मेडिसिन है, ये वाला मेडिसिन हम यूज़ करना है इसके अंदर, और एक फंगस वाला मेडिसिन है, जैसा कि फंगस के लिए मेडिसिन है, जैसा कि मिस्टर ब्लू या अलग अलग कोई भी कंपनी में, यहाँ पे सानियो मिस्टर ब्लू दोनों भी कंपनी में। तो इसके अंदर जो भी हम पानी यूज़ करने वाले हैं मेडिसिन के हिसाब से उसको है तो सही डालें। जैसा कि होता है क्या है कि कस्टमर को, दुकानदार बोलते थोड़ा सा ब्लू ब्लू हो जाना चाहिए, मेडिसिन डाल दो हो गया, वैसा नहीं है। कि समझ लो, मान लो कि हमारा बाउल है, ये 10 लीटर का बाउल है, 10 लीटर का टैंक है, उसके अंदर ये जो एंटी फंगस वाला मेडिसिन है, सिर्फ ओनली 1 ml ठीक से गिन के हम इसको अंदर डालें, 1 ml। उसके बाद में ये जो क्लोरीन वाला जो मेडिसिन है, इसको 1 ml यूज़ करें, ये हो गया। तो इसके बाद में हमारा ये पानी का जो फंगस का या क्लोरीन का जो इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन का यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने ऑक्सीजन मशीन लगा दिया, और उसके बाद जब हम मछली, ये चलो अच्छी रहती है मछली, जब फूड होता है, फूड के अंदर भी हमें ये जो मछली का साइज़ के हिसाब से डिपेंड रहना चाहिए कि ये जो मछली का साइज़ है, इसको हम 5 से 10 दाने, 5 से 10 बॉल डेली के हम इसको खिला सकते हैं। और इनकेस मान लो कि हमने 10 बॉल इसमें डाल दिया और 10 बॉल है तो फिश ने नहीं खाया, तो एक 15 से 20 मिनट के अंदर हम उसका वेट करें,
और 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद में हम एक नेट के थ्रू इसको निकाल कर जो फूड होता है, जो बचा हुआ वेस्टेज, उसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो ये हो गया, ये हमारे फिश के जो एक ऑक्सीजन मशीन का, मेडिसिन का, जो एक्स्ट्रा ओवर फीडिंग ना करे। कि घर में जैसा मेंबर होते हैं कि अलग अलग मेंबर, तो जो भी आ गया तो बस उसको डाल दिया, इस टाइप से ना हो। तो उसके अंदर जब हम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारी, जब हम इसको किस टाइप से हम निकाले पानी को, पानी कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, कि हमारा टैंक हो या बाउल हो, जैसा आपको मैंने इससे पहले भी बहुत सारे टाइम में बताया है कि जब पानी जब हम चेंज करते हैं तो सप्लाई वाटर वाला पानी ज़्यादातर यूज़ करें। उसके बाद में हम अगले एक वीडियो में देखेंगे उसके TDS को, उसके अमोनिया लेवल को, अलग अलग लेवल उसके चेकअप टेस्ट करने होते हैं। अगर ज़्यादा फिश मरती है तो उसके किट आती है, वो अलग अलग pH हो, अमोनिया अलग अलग से, मैं उसके बारे में बाद में बता दूंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई वाटर वाला जो पानी है, कम से कम 10 से 12 दिन, अगर 15 दिन पुराना अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास में ये एक भी फिश मरने का चांस ही नहीं है। लेकिन चलो मान लो 4-5 दिन पुराना भी पानी यूज़ करते हैं तो कम से कम, जैसा कि हमें ये पानी चेंज करना है तो एक दिन पहले उसका टेम्परेचर मैच होने के हिसाब से किसी एक आधे बर्तन में, किसी एक आधे समझो एक आधे बकेट के अंदर हम पानी को लाकर इस रूम में रख दे। अगर हम टैंक यूज़ कर रहे हैं या बाउल यूज़ कर रहे हैं, दोनों को हम यहाँ पर रख दे, जैसा कि इस रूम में कहीं भी हमें रख सकते हैं। तो 24 घंटे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर लेवल मैच होना चाहिए। चलो हम टेम्परेचर इसको चेक करें, उसको चेक करें, अलग अलग, ज़्यादा परेशान ना होते हुए इसको ला के रख दे। नेक्स्ट डे आने वाले दिन है तो इसको हम पूरा टोटली है तो इसके अंदर बकेट में पहले आधा पानी निकाल ले, आधे पानी के बाद मछली नेट्स के थ्रू हम निकाल दें, और उसके बाद ये जो हमने पूरा पानी को, ये जो हमारे फिश टैंक हो या बाउल हो, उसको अच्छे से धो ले, धोने के बाद पूरा पानी निकाल दें। उसके बाद भी ये जो बकेट में जो रखा हुआ पहले पानी होता है, इस पानी को हम बाद में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो हमारे पास में एक भी मछली इसके अंदर नहीं मरेंगी। और जनरली होता क्या है कि जब हम इसके अंदर का पानी निकाल दिया, बाहर से पानी लाया और डाल दिया, फिश एक तो मर गई। क्यों मरती है? कि पानी जो होता है कि बाहर का, एक तो हम रूम में फिश टैंक रखते हैं और पानी होता है ओपन स्पेस में का, होता है कि घर में पानी ठंडा हो, बाहर गर्म हो, या हो सकता है ऊपर की जो हमारी टंकी है, टंकी का पानी गर्म है, अंदर रूम में ठंडा है। तो यहाँ पे मिस मैचिंग में हमारे मछलियाँ मरने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो इस टाइप से मैंने जैसा बता दिया आपको, इस टाइप से हम पानी चेंज करेंगे, ऑक्सीजन मशीन लगाएंगे, मेडिसिन डालेंगे और इसके अंदर फीडिंग अगर सही देते हैं तो हमारे एक्वेरियम का अमोनिया लेवल भी ठीक रहेगा और हमारी मछलियाँ मरने से भी बचेंगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं और मिलता हूँ इसके कुछ इन्फॉर्मेशन, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए, और मछली के और मरने के रीज़न क्या होते हैं उसके ऊपर डिपेंड एक टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, और अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।